केजरीवाल के मुंह पर मुंबई हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ इस चीज से मारा कि तबलीगी जमात का कोई हाथ नहीं था कोरोना फैलाने में, तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत बरी किया। आप सबको याद होगा उस वक्त में जब इन्होंने तबलीगी जमात और मरकज के ऊपर ये उंगली उठाई थी कि इन्होंने कोरोना फैलाया है, जो रेड़ी पटरी वाले मेरे गरीब मुसलमान थे उनसे किसी ने सब्जी और फल सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अमित शाह के मुंह पर तमाचा कोर्ट ने मारा, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हुआ, हमारे आपके साथ हुआ, और आज इन लोगों की बेइज्जती हुई और पता चला कि तबलीगी जमात और मुस्लिम समाज की वजह से कोरोना नहीं फैला था। हमने, कांग्रेस पार्टी ने ये लड़ाई मुहिम शुरू करी है। हमने एक महीने पहले अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के बाहर और अमित शाह के ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा धरना किया था जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे, और वहां पर हमने कहा था कि अरविंद केजरीवाल तुम और अमित शाह तबलीगी जमात से और पूरे मुस्लिम समाज से माफी मांगो, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल संघ का आदमी है, अरविंद केजरीवाल आरएसएस का आदमी है। पिछले जुमे में ये सिग्नेचर कैंपेन हमने शुरू किया है, और वो बाबरपुर विधानसभा से किया था, आज ये सिग्नेचर कैंपेन करावल नगर में श्रीराम कॉलोनी से हुआ है, पूरे दिल्ली के अंदर ये सिग्नेचर होगा। अमित शाह और अरविंद केजरीवाल से हम लोग माफी मंगवा के रहेंगे, इसी तरीके से ये सिग्नेचर हम रोल करके इनके घरों पे देके जाएंगे, और जब तक ये माफी नहीं मांगते तबलीगी जमात से और पूरे मुस्लिम समाज से हम लोग बैठने वाले नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को इसके लिए रोड पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो भी लड़ाई लड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम इंशाल्लाह डरेंगे नहीं। आप सबसे मेरी इल्तिजा है ताली ना बजाएं, ये ताली का मौजू नहीं है, ये बहुत गंभीर मौजू है। हमें बदनाम करने की कोशिश करी अरविंद केजरीवाल ने और अमित शाह ने, मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ, आपका एक सिग्नेचर यहाँ पर ये इतनी बड़ी चोट देगा कि आपकी वजह से जो आपके भाइयों को जो बेइज्जती का सामना करना पड़ा था अरविंद केजरीवाल की वजह से।